इन दिस क्वेश्चन हम एलसीएम और एचसीएफ जो है पेयर्स ऑफ इंटीजर्स का करने वाले हैं और एट लास्ट हमें उसको वेरीफाई भी करना है। रिवाइज बुक से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। लेट्स टेक दिस, ये 26 है और ये 91 है। एक चीज जो जरूरी है याद रखनी है वो कि हम स्टार्ट करते हैं लोएस्ट नंबर से और वो लोएस्ट नंबर प्राइम होना चाहिए, स्पेशली इन दिस चैप्टर हम यहाँ पर देख रहे हैं। नॉट स्पेशली एक्चुअली हम प्राइम नंबर्स ही लेते हैं, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एलसीएम और एचसीएफ में यही करना है, ठीक है। तो 26 को देखिए आप, ये 2 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, 13 टाइम्स जा रहा है और 30 क्योंकि प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही डिवाइड होगा, तो दिस इज 30, ठीक है। 91 की बात करें तो ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने दोनों स्मॉलेस्ट नंबर को देख लिया है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5, तो 5 में तो बिल्कुल नहीं जाने वाला क्योंकि पीछे हम चेक कर लेते हैं कि 0 और 5 है कि नहीं, ठीक है ना, वी आर स्मार्ट। तो अब हम आते हैं 7 पर, तो 7 को देखा तो यस 7 से ये जा रहा है 13 टाइम्स, ओके, और 13 तो खुद से ही डिवाइड होगा, तो ये हमारा हो गया सॉल्व, ओके। नाउ कम टू एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम का फुल फॉर्म सभी को पता है, इट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 26 में हमने देखा तो 2 × 13 है और 91 को देखा तो ये है 7 × 13, ठीक है ना। तो इनका जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सभी को पता है कि ये होगा 2 × 7 × ये दोनों 13 है, ये क्या आ जाएंगे सिंगल टाइम्स, विच इज 13, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई कॉमन नहीं है तो भी हम लेते हैं लोएस्ट कॉमन, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे इन दोनों में कॉमन नहीं था, स्टिल जो कॉमन नहीं है हमने उसको मल्टीप्लीकेशन में इन्वॉल्व किया है, ठीक है। ऐसा हाईएस्ट कॉमन वाले में नहीं होगा, उसमें हमें देखना पड़ता है कि हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो ये दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। तो हमने देखा कि भाई इनको हमने 207 को भी लिया है और कॉमन वाले को हमने सिंगल ऐड करा है, ठीक है। तो ये 14 × 13 हो गया विच इज इक्वल्स टू 182, राइट, दिस इज द आंसर। नाउ कम टू एचसीएफ, अब हमें अलग से जाने की जरूरत नहीं है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल में या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें, तो इसमें करना क्या है, यू कैन सी दिस इज वॉट 2 × 13 है ना। तो 26 का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 × 13 एंड 91 का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 × 13। नाउ एज पर नेम इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए मैं हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन दिख रहा है क्या, नो, 7 कॉमन दिख रहा है क्या, नो, 13 कॉमन है, यस, तो 13 कॉमन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वो होगा 13, ओके। तो दिस इज द आंसर। अब ना व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अब इन्होंने हमसे ये भी बोला है कि आपको वेरीफाई करना है, मतलब क्या करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये आपको करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ करा तो ये हो गया 182 × 13 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो दो नंबर्स कौन से हैं जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, वो है 26 और 91, ठीक है। आप चाहे तो करके देख लीजिए, हम घर में करके ही बता देती हूँ आपको, 182 × 13 आप यहाँ पे करेंगे तो ये होने वाला है, देखिए 3 × 24 = 2 × 3 = 546 and 2 × 81 = 3266, ओके, दिस इज 3266 आपका आने वाला है, ठीक है। 6, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, तो ये हमारा यहाँ पे 1 आएगा कॉमन, उसके बाद ये कितना होने वाला है 3266। जस्ट पॉज इट, इसको पॉज करो,